अपने मांग के लिए, अधिकार के लिए है, मांग के लिए। हाँ, हमें काम करते हैं, काम करते हैं तो उसकी मजदूरी मांगने आए हैं सरकार से। हमको मजदूरी चाहिए, 8 घंटा 10 घंटा हम ICDS के कार्य के अलावा और बाकी कार्य करते हैं सरकार की, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो हमको मजदूरी, एक मजदूर का जो मजदूरी बनता है वो मजदूरी मिलना चाहिए, हमको मजदूर मानना चाहिए। सरकार हमें मजदूर नहीं मान रही है, हमसे काम लेती है और मजदूर नहीं मानती है कि आप मजदूर नहीं, समाज से भी है। तो इस देश के प्रधानमंत्री तो समाज से भी है, उनको क्या वेतन मिलता है, उनको क्यों इतना तनख्वाह मिलता है, उनको क्यों करोड़ों का कोट मिलता है, करोड़ों का आप सुने कि मशरूम खाने को लिए मिलता है, और हमको सूखा रोटी भी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को क्या कहते हैं रोटी भी नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए कलम पेंसिल भी नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम आंगनवाड़ी में बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं, जो बच्चा मेरा देश का भविष्य है, जो मेरा बच्चा जो सीमा पर लड़ने जाता है वो प्रधानमंत्री का सुरक्षा करता है, वो देश के नेता लोग को सुरक्षा करता है और अपना जान गंवाता है वहाँ सीमा पर, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको तैयार करते हैं, वो हम माँ है, जो हम माँ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हम जन्म लेकर के पछता रहे हैं तो बेटी पैदा करके और पछताएंगे, यार पछताएंगे इस सरकार में है, ये सरकार निपंगू है, ये सरकार की न अपना बाल है न बच्चा है, तो क्या समझेगा बांस जाने पर सबका पीड़ा, जो बसों का पीड़ा क्या होता है, जिसका अपना घर नहीं, परिवार नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, वो क्या जानता है दूसरे के बच्चा का दर्द। और मैं माँ हूँ, एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि माँ क्या होती है। कल मैं देख रहा था रोड पर एक बच्चा बैलून बेचने वाला, मैंने कहा था कि ये बच्चा तुम पैसा लो और बैलून मत बेचो, तो आंटी ये 5 रुपया से क्या होगा, बच्चा बोला, इतना बड़ा बच्चा, तो मैं तो लाख नहीं दे सकती, लेकिन मैं एक माँ हूँ तो मैं बच्चे को रोते देखती हूँ तो मुझे दर्द होता है, लेकिन ये सरकार की दर्द नहीं है। और सुन लीजिए, इस देश में मोदी जोगी है ना, ये सब सरंगी लेकर घूमने वाली सरकार है और लोगों को घुमाने वाली है, झूठी झूठी वादा करने वाली। तो हम महिला ने शान लिया है कि 2019 और ये बिहार है ना, बिहार में बाहर है, तो 2015 में हमने विधानसभा छीन लिया, तो 2019 में बिहार लोकसभा भी छीन लेगा, हम इतनी ताकत रखते हैं। जी, आप केंद्र सरकार से मांग कर रही हैं, वहाँ पटना के अंदर नीतीश सरकार चल रही, तो नीतीश सरकार आपको क्या आश्वासन दे रही है? नीतीश सरकार भी इसी में घुस गई है, और नीतीश भी क्या, मोदी जैसा वैसा नीतीश हो, नीतीश का भी अपना घर परिवार नहीं है, वो भी जो है कि बौआता है कमंडल लेकर के, वही ना जोगी मोदी या नीतीश, तीनों बराबर है, इसके लिए तीनों को बदल देना। आपका नाम? मेरा नाम अंजनी कुमारी। अंजनी कुमारी मदन। अंजनी कुमारी जी, आप क्यों आई हो? हम अपने बार बार वर्षों से अपना अधिकार के लिए हम बार बार लड़ते आ रहे हैं, और सरकार ने हमारे साथ वार्ता कर लेते हैं कि आपका जो मांग है हम पूरी करेंगे, बार बार सरकार हमको धोखा देते आ रहे हैं, तो इस बार हम सेफ, जितना सेफ का सहायिका बहन है, अपने आन मान शान से आए हैं कि अपना अधिकार लेकर के ही अपने बिहार वापस लौटेंगे, जब तक कि प्रधानमंत्री जी हम लोग के मांग नहीं पूरे करेंगे। कुछ दिन पहले हम लोग पेपर में भी पढ़े थे कि हम लोग के जो सेविका सहायिका बहन, जो सेविका सहायिका है 10 साल से कार्यरत है, उनको सरकारी कर्मचारी को का दर्जा दिया जाएगा, उनका वो भी वादा फेल हो गया। अभी तक ICDS कार्यालय में ऐसा कोई लिखित नहीं गया है, जो सेविका सहायिका बहन 10 साल से कार्यरत है उसको जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर उनको मानना नहीं था तो क्यों पेपर में आउट करते हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमने दे दिया। डेली हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो सर अति आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए खुशखबरी हो गया 10,000 मानदेय, लेकिन अभी तक हम लोग 3,000 रुपया पर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। हम एक तो मेरा बिहार गरीब है, और जितना हर दिन हम महिला से शोषण, खाली शोषण हो रहा है। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि हम बिहार, नीतीश कुमार के भी नारा है मोदी जी का महिला सशक्तिकरण, लेकिन हम महिलाएं पर खाली शोषण ही शोषण हो रहा है। इसीलिए हम लोग बार बार अपने अधिकार के लिए मांगने आते हैं, फिर भी मेरा मांग देखने वाला कोई नहीं। जब मोदी जी एक दिन में
पूरा काला धन को हटा दिया, तो क्या वह गुंगी बहिरी सरकार के इस आंगनवाड़ी बहना जो एक महिला होकर के बार बार रोड पर सोती है, क्या उनके लिए ये ध्यान नहीं है कि एक माँ एक बहन हमारी रोड पर बार बार क्यों आती है? ऐसी सरकार के हम फिर अगर मेरा मांग पूरी नहीं हुआ तो फिर हम मोदी जी से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचवाएंगे। हमारे सेवका सहायिका बहन में इतना ताकत है, इतना संख्या है, इतना बल है, या तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे और ना तो चाय बेचने के लिए फिर से रेडी हो जाए। बहुत अच्छी बात कि अभी आंगनवाड़ी सेविकाओं ने वर्करों ने पूरा ठान लिया है कि 2019 के अंदर यदि बातों को नहीं माना गया तो हम महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर फिर मोदी जी से उसी रेलवे स्टेशन पर चाय बिकवाने के लिए आमदा हैं। तो मोदी और भारतीय सरकार ये ध्यान करें कि 2019 के अंदर अगर जो उन्हें कदम उठाना है, उससे पहले कदम उठाना होगा, इन महिलाओं के बारे में सोचना होगा, आंगनवाड़ी वर्करों के बारे में सोचना होगा। आइए और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कमला सिन्हा है, मैं सतपुरा जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी सभी बहनों का एक ही कहना है कि हम छोटे छोटे बच्चों का सेवा करते हैं और गर्भ से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा काम हम करते हैं। हमें कभी किसान भवन में मीटिंग बुलाया जाता है तो कभी ब्लॉक में मीटिंग बुलाया जाता है तो कभी महीने में 30 दिन होता है तो 15 दिन हम मीटिंग में ही जाते रहते हैं। और जब 15 दिन मीटिंग में जाते हैं तो हमें टीए भत्ता भी नहीं मिलता है और हमारी 8 महीना 9 महीनों का मानदेय 3000 जो देता है गवर्नमेंट सरकार वो हमको 8 महीना 9 महीना का मानदेय रहता है तो 2 महीना का मानदेय भेजता है। सोचिए कि उतना पैसा में हम रोज मीटिंग में कहाँ से जाएंगे। और किशोरी बालिका का फार्म भरने के लिए तो शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना कर रहे हो तो सभी तो अपना किशोरी बालिका का नाम लिखा दिया स्कूल में तो वो रहा कहाँ अशिक्षित। तो हमारी बहनें तो भाषण के रूप में भाषण दिए लेकिन हम कविता के रूप में आपको बता रहे हैं मीडिया वाले को कि हमारी इस कविता को सभी आंगनबाड़ी सेविका और उस मोदी सरकार नीतीश सरकार मोदी सरकार सभी को सुनाया जाए कि देखिए एक सेविका का क्या दर्द होता है। मैं तो माइक में गाना चाहती हूँ लेकिन आप कह रहे हैं तो कैसे बोला।